हेलो फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो अमृत कृषि है उसके जो विभिन्न घटक हैं, जैसे ढेर लगाने की प्रक्रिया है और अमृत मिट्टी बनाने की प्रक्रिया है, अमृत जल बनाने की प्रक्रिया है। और अब हम इसी कड़ी में आगे बात करने वाले हैं कि जो जो ढेर है, जो मिट्टी बनाने की जो असली प्रक्रिया है, जिसको वर्षावनों के अंदर 100 वर्षों से लेकर 500 वर्षों तक का समय लगता है, लेकिन हम बहुत जल्दी तकरीबन 140 दिनों के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा करा सकते हैं। और जो हमारे खेतों के अंदर जो जैविक अवशेष पैदा होते हैं, जैसे भूसा है और पत्ते हैं, छोटी छोटी टहनियां हैं, उन सबको हम मिट्टी में कैसे बदल सकते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं ढेर लगाना। जो सबसे पहला चरण है इस प्रक्रिया में, वैसे 4 चरण होते हैं, इसका जो सबसे पहला चरण है उसको बोलते हैं अमृत जल का निर्माण करना। तो साथियों, सबसे पहले क्या करते हैं, 100 लीटर पानी लेते हैं। 100 लीटर पानी के अंदर 10 किलो ताज़ा गोबर लेके, गाय का, देसी गाय का गोबर लेके उसको अच्छे से उसको मिक्स कर लेते हैं। और फिर इसके अंदर 10 लीटर गौमूत्र को मिक्स करते हैं। गौमूत्र यदि थोड़ा सा पुराना हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि गौमूत्र में बहुत सारे जो माइक्रोबियल कल्चर्स होते हैं वो विकसित हो जाते हैं, और उनकी जो अवेलेबिलिटी होती है उससे जो ये जो मिक्सचर है ये बहुत अच्छा हो जाता है। और जो देसी गायों का जो गौमूत्र होता है उसमें रसायनों की मात्रा बहुत अच्छी, मतलब तुलनात्मक रूप से बहुत अच्छी बताते हैं, इसलिए इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब ये जब सारा मिक्सचर बन जाता है, उसके बाद इस मिश्रण में करीबन 500 ग्राम गुड़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इस घोल को करीबन एक दिन में करीबन 3 बार उसको, मतलब 3 बार जब आप उसको जब खोल के देखेंगे तो आपको एक छड़ी लेनी है, उसमें उसको क्लॉकवाइज घुमाना है करीबन 12 बार, और फिर 12 बार उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। और 3 दिन के बाद जब आप देखेंगे तो इस जो ये जो घोल है इसमें बहुत सारी माइक्रोबियल रिएक्शंस शुरू हो चुकी होंगी। अब ये वक्त है इसके अंदर करीबन 900 लीटर और पानी ऐड करने का। जैसे आप इसमें 900 लीटर पानी और मिला देंगे तो आपका ये 1000 लीटर जो है ये अमृत जल आपका बन जाएगा। तो साथियों, इस हिसाब से ये है कि जो यदि आपको जैविक जो ढेर का अगर आपको निर्माण करना है तो उसकी जो प्रक्रिया है वो 3 दिन पहले से शुरू हो जाती है। 3 दिन पहले से आप जो प्रक्रिया शुरू करते हैं उसमें उसको अमृत जल बोलते हैं। बेसिकली क्या है, एक माइक्रोबियल कल्चर है जो आपके जो जैविक पदार्थ हैं उनको ये गलाने का काम करेगा। अब साथ ही हम बात करते हैं दूसरे चरण की। दूसरे चरण में क्या करते हैं, जैविक कचरे को छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट लेते हैं। करीबन जो ये जो टुकड़े होते हैं 3-4 इंच के हो जाते हैं, और इन सब जो 3-4 इंच के टुकड़े हैं एक खड्डा खोद के, या अगर कोई आपके पास कोई पक्की जगह हो या पक्की जगह हो उसमें थोड़ी सी गहरी हो, उसमें ये जो जो जैविक जो कचरा है इसके जो टुकड़े काट काट के उसके अंदर अगर हम लोग इकट्ठा रख लेते हैं, और फिर करीबन 80 किलो मात्रा के आसपास हमने एक बार उसको लेना है, और फिर उसमें हमने अमृत जल उसके ऊपर हमने डाल देना है। और जो ये जो जो ये जैविक कचरा ये अमृत जो जल इसको सोख लेगा, और 2-3 बार में पूरा अमृत जल इस पर पूरी पूर्ण रूप से दबा कर इस पर आप डाल दें। अब जैविक कचरे के टुकड़े पर भारी पत्थर या लकड़ी के लट्ठे रख दें ताकि इस टुकड़े से कोई अमृत जल है वो बाहर ना आए। फिर जैविक कचरे को 24 घंटे के लिए अमृत जो जल है उसमें डूबा रहने दें, और 24 घंटे के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो तीसरा चरण है वो शुरू हो जाता है। इस तीसरे चरण में हमने क्या करना है, जमीन के ऊपर एक ड्राइंग बनानी है, हमने लकीर लगानी है, एक आयताकार ड्राइंग बनानी है जिसमें 10 फुट लंबाई और 3 फुट चौड़ाई का हम एक आयताकार एक आकृति खींच लेंगे। इसके ऊपर जो ये जैविक जो कचरा है जो उसको हमने अमृत जल में डूबो कर रखा था इसको निकाल कर इसकी परतें हम बिछाएंगे, और एक परत में करीबन 5 किलो के आसपास जैविक कचरा लगेगा। और एक बात आप महसूस करेंगे कि जब जैविक कचरे को ऐसे निकालेंगे तो उसका जो वजन है वो उसका बढ़ जाएगा। अब इसके ऊपर जो पहले से आपने बारीक मिट्टी इकट्ठी करके रखी हुई है, ये बारीक मिट्टी वो मिट्टी होती है जो आप घर में जो झाड़ू निकालते हैं उसमें जो बारीक मिट्टी निकलती है, ये खेत में भी मिल जाती है, नदी के किनारे भी मिल जाती है,
इस मिट्टी की जो परत इसके ऊपर एक छिड़काव कर देते हैं। एक बार में करीबन 2 से 3 लीटर किलो के आसपास हम बारीक मिट्टी इस पर छिड़कते हैं। जैविक कचरे के आयतन की 1/4 जो में मिट्टी की मात्रा होनी चाहिए। जैविक कचरे की परत लगाने और उस पर बारीक मिट्टी छिड़काव की इस प्रक्रिया को क्रमशः तब तक दोहराते हैं कि जब तक ढेर की जो ऊंचाई है वो 1 फुट ना हो जाए। याद रखें, खासकर इसमें जो बात याद रखने वाली होती है, जैविक कचरे की प्रत्येक 5 परतों के बाद उस पर चलकर एक अच्छी तरह उसको पैर से दबा दें। आमतौर पर जैविक कचरे की 25 और मिट्टी की 25 परतें एक पर एक बिछाकर उन्हें अच्छी तरह से दबाने पर इसकी कुल ऊंचाई लगभग 1 फुट हो जाती है। कई बार इन परतों की संख्या कुल 70 तक भी पहुंच जाती है। अब लास्ट जो चरण है वो शुरू होता है साथियों, ढेर का खाद के रूप में रूपांतरण करना और मल्चिंग करना। जो बना हुआ ढेर है उसको हर 7वें दिन आपको पलटना है और अमृत जल का छिड़काव उसके ऊपर करते रहना है, नमी को बनाए रखना है। पलट कर आच्छादन जो है, इस तरह करीबन 30 दिनों के बाद खाद बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। अब इसके बाद एक चरण और होता है, इस ढेर का हम हरितीकरण उसको हमें करना होता है। उस प्रक्रिया के बारे में हम विस्तार से दूसरे वीडियो में बात करेंगे। साथियों, ये जो हम वीडियोस आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, इन वीडियोस का जो मकसद है वो ये है कि तमाम जो अच्छी अच्छी जानकारियाँ अलग अलग जगह पे किसानों ने पैदा की हैं, उन्होंने शोध किए हैं, उनको अलग अलग रेफरेंसेस से ढूंढ के, ताकि हम एक वीडियो के माध्यम से ये ज्ञान का आदान प्रदान आपस में करते रहें। और इन जो जानकारियाँ हम आपके लिए ढूंढ कर ला रहे हैं, इनमें से कुछ उपयोगी जानकारियों का इस्तेमाल आप अपने जीवन में कर सकते हैं और अपने जीवन को आसान और उपयोगी और सार्थक बना सकते हैं। साथियों, आपके जो फीडबैक हैं वो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा मेरी टीम के साथ कि हम उन जो आप कमेंट समय करेंगे, जो आगे आप हमसे जो जानकारियाँ मांगेंगे, उनको हम ढूंढ के आप तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।